बिजनेस और लीगल कंप्लायंसेस अपडेट्स के लिए हमारे चैनल केयर लीगल डॉक्स को सब्सक्राइब करें और नए अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें। एमएसएमई एंटरप्राइजेस भारत के आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। भारत के जीडीपी में एमएसएमई का 37% योगदान है और साथ में ही 49% एक्सपोर्ट्स भी एमएसएमई सेक्टर द्वारा होते हैं। तो चलिए जानते हैं एमएसएमई क्या है, उसके फायदे क्या है और कौन से बिजनेसेस एमएसएमई कहलाते हैं। एमएसएमई यानी माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज या कोई भी ऐसे एंटरप्राइज जो इन तीन टाइप्स के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए जानते हैं माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज कौन से है। माइक्रो एंटरप्राइज एक आइसक्रीम पार्लर हो सकता है या छोटा रेस्टोरेंट या कोई रिटेल मार्केट। 25 लाख तक का निवेश जो भी बिजनेस में होता है वो माइक्रो बिजनेस कहलाते हैं। जो भी बिजनेस और एंटरप्राइज का टर्नओवर 5 करोड़ से कम होता है वो भी माइक्रो सेगमेंट में आते हैं। दूसरा, स्मॉल बिजनेस को एक इंडिपेंडेंट बिजनेस भी कहा जाता है। 25 लाख से लेके 5 करोड़ का निवेश जो भी बिजनेस में होता है वो स्मॉल बिजनेस कहलाते हैं। जो भी बिजनेसेस और एंटरप्राइजेस का टर्नओवर 5 करोड़ से अधिक और 75 करोड़ तक का होता है वो भी स्मॉल बिजनेस सेगमेंट में आते हैं। और आखिरी, 5 करोड़ से लेके 10 करोड़ का निवेश जो भी बिजनेसेस में होता है वो मीडियम बिजनेस कहलाते हैं। जो भी बिजनेसेस और एंटरप्राइजेस का टर्नओवर 75 करोड़ से अधिक और 250 करोड़ तक का होता है वो मीडियम सेगमेंट में आते हैं। इन्फ्लेशन और दूसरे पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट निवेश के दर में बदलाव ला सकती है। तो क्या आप एमएसएमई के लिए एलिजिबल हो? अगर हाँ तो आइए जानते हैं एमएसएमई का हिस्सा कैसे बन सकते हैं। आप एमएसएमई रजिस्ट्रेशन कराने से एमएसएमई का हिस्सा बन सकते हो। एमएसएमई बिजनेसेस को बढ़ाने में श्री माननीय प्रधानमंत्री जी ने एमएसएमई ईडी एक्ट के अंदर सारे स्कीम्स सब्सिडीज का आयोजन किया है, जिससे एमएसएमई बिजनेस होल्डर को कई सारे फायदे हुए हैं। जैसे एमएसएमईज को काफी सारे सब्सिडीज और टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं, इजी क्लियरेंस पेंडिंग पेमेंट के लिए, ट्रेडमार्क और पेटेंट के फीस पे 50% डिस्काउंट मिल सकता है, बैंक ओवरड्राफ्ट पर इंटरेस्ट रेट बहुत कम होता है, मुद्रा लोन एमएसएमई लोन स्कीम्स के लिए आप पात्र रहोगे, आसानी से आप गवर्नमेंट से किसी भी टेंडर के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो हम लीगल डॉक्स लीगल और बिजनेस कंसल्टेंट होने के नाते आपको एमएसएमई रजिस्ट्रेशन कराने में हेल्प कर सकते हैं, वो भी सिर्फ 3 आसान स्टेप्स में। पर उसके पहले हम देख लेते हैं एमएसएमई का हिस्सा बनने के लिए क्या क्या डिटेल्स की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे आधार नंबर, ओनर का नाम, एंटरप्राइज का नाम, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, पैन नंबर, ऑफिशियल एड्रेस, डेट ऑफ कमेंसमेंट, बैंक अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड, पर्सनल डिटेल्स, एम्प्लॉयज की संख्या, बिजनेस में कितना पैसा निवेश किया है, इन सब की डिटेल्स आपको देनी होगी। जैसे ही आप इन सब डिटेल्स को सबमिट कर लो तो लीगल डॉक्स आपका एमएसएमई रजिस्ट्रेशन करवा देगा। अगर आप रजिस्ट्रेशन कराना चाहो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी है, उस पर क्लिक करें। एक बार आप एमएसएमई का हिस्सा बन गए तो आप गवर्नमेंट के सभी स्कीम्स और सब्सिडीज का फायदा ले सकते हो। उम्मीद है आपको एमएसएमई, उसके रजिस्ट्रेशन और एमएसएमई का हिस्सा बनने के सारे फायदे पता लग गए होंगे। कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछे या सोशल मीडिया हैंडल्स पे रीच आउट करें। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर करें अपने कलीग्स के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।